Okay, go ahead. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. O Panchanamukkaro. Aisho Panchanamukkaro. Savva Bhava Pranasano. Savva Bhava Pranasano. Mangalanam Cha Savvesim. Mangalanam Cha Savvesim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूं और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड रुद्र। दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में जो बाधाएं यंत्राएं आते हैं ऑब्जेक्शन आते हैं उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच दीदी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके चलो आज देखेंगे आपका स्कोर कैसा है। सत साधनों में हमने भेजा है 22 काउंट होता है सत साधनों में। ओके और बाद में आरती एक्स्ट्रा है और स्टडी प्रेयर अच्छा एक्स्ट्रा है। वो बताना सत साधन आरती और स्टडी प्रेयर नंबर ही मांगता है ओनली नंबर। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए हैं। आरती मैंने आज शाम को की थी और स्टडी प्रेयर मैंने आज 7 टाइम्स की है। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए हैं। पूरे नहीं, वो दैट इज नॉट अ गुड आंसर। नंबर 22 आउट ऑफ 22 मैंने सत्साधन किए हैं आज। और आज मैंने आरती भी की थी और डेली प्रेयर भी थोड़ी
स्टडी प्रेयर भी की। कितना देर स्टडी प्रेयर किया? हाँ, वो स्टडी प्रेयर मैंने 5 times बोली थी। तो आप ये हमने बताया, सुनाई नहीं दिया? सब बच्चे लोग किए ऐसा रिपोर्ट देने का है। मोनिका दीदी, मैंने सच्चा 22/22 किया है और आरती मैंने एक बार की थी शाम को, और मैंने स्टडी प्रेयर 6 times किया था। करिश्मा, हाँ जय सच्चिदानंद, 3 months मैंने 10 times की थी। दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत्साधन 22/22 किए थे, आज मैंने स्टडी प्रेयर 8 times की थी और आज मैंने आरती 1 times शाम को की थी। ओके, पितृश्री दीदी किधर है आप? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत्साधन 22/19 ही की है, मेरी शुद्धात्मा प्रति की प्रार्थना और 9 columns 1 times रह गई थी, और स्टडी प्रेयर मैंने 5 times की है, आरती में आज मैंने नहीं की। ओके थैंक यू। अहिता दीदी है? नहीं है। ओके वेरी गुड। श्रेया, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 20/22 किया था। और मैंने आरती भी की थी आज। और देव, आप रिपोर्ट क्यों अच्छे नहीं बता सकते? देव, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 22/22 किए थे, उसके सिवा आज मैंने आरती अभी सोने से पहले करूंगा, और मैंने डेली प्रेयर भी 2 times की थी, स्टडी प्रेयर में भूल गया। नहीं नहीं नहीं, डेली नहीं, स्टडी की, स्टडी प्रेयर की बात है। स्टडी प्रेयर मैंने की थी 2 times। 2 times पढ़ा बहुत नहीं। रम्या, आज मैंने सत्साधन में 22/22 किए हैं, और आज मैंने स्टडी प्रेयर 2 times की। रुद्र, आज मैंने 22/10 किए थे, और मैंने आज स्टडी प्रेयर 1 time की। और आरती बाकी है, ये कर दी। दर्शना, आज मुझे सत्साधन में 22/22 क्योंकि मैंने आरती भी की थी, स्टडी प्रेयर भी किया था। कितना किया था? 1 time। एक ही दफा प्रेयर आज स्कूल थी? आज स्कूल थी? नहीं, बट 11:25 को क्लास थी। तो आप स्टडी प्रेयर अभी एक ही टाइम पे किया? प्रहार, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 22/24 सत्साधन किए थे, 9 columns 2 times। नो नो, हम रिपोर्ट नहीं मांगता है। ओ दूसरा बोलो। हाँ, स्टडी प्रेयर और आरती। स्टडी प्रेयर 2 times और डेली प्रेयर भी 2 times। ओके, आज आपका क्या बोल रहे थे? ओ अहम का क्या बोल रहे थे? अहंकार, हाँ, आज मैंने ट्राई किया था वो बोलकर कि आपने बता एक अच्छे, आपड़ा में कोई जुदाई न थी, तो आज का अहंकार अहंकार बहुत कम हो गया था आज का। ओके, तो आपने देखा था कि निमेशांदी आनंद भी आप ही है, वो मालूम पड़ा। प्रहर, हाँ वो मालूम पड़ा, निमेशानंद जी भी आप ही है। ओके ओके हरी, जी सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी प्रेयर 3 times की थी और त्रिमंत्र 5 times किया था। ओके, 10 times करने का है। हिताक्षी बा, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 22/22 सत्साधन किए थे, स्टडी प्रेयर 7 times की थी और आरती नहीं की थी मैंने आज। आरुष, आज जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत्साधन नहीं किए थे।
जी आदिति ठीक है आज मेरे 90 आउट ऑफ 22 है और आज मैंने स्टडी प्रेयर 5 टाइम्स करी आरती आज मैंने नहीं की है मेरा आज मेरा 5 आउट ऑफ 4 है क्योंकि अब मैंने दादा भगवान का सुनहरे गान नमस्कार विधि नहीं की थी और स्टडी प्रेयर 2 टाइम किया था और डेली प्रेयर 1 टाइम किया था और आरती नहीं की थी देवम जय सच्चिदानंद आज मेरा 21 आउट ऑफ 22 है और आज मैंने आरती नहीं की है और स्टडी प्रेयर मैंने 6 टाइम्स बोली है तो आप कीर्तन भक्ति किसके साथ किया आपने आज नहीं किया तो 22 आउट 22 कैसे हो सकता है नहीं 21 बोला ओह सॉरी ओके तो बोलो देन मिस हो गया वो बताने का ओके कश्यप भाई जय सच्चिदानंद मैंने आज 20 आउट ऑफ 21 मैंने साधन किया था मैंने आज प्रार्थना नहीं की थी और मैंने आज 4 टाइम स्टडी भी की थी खुशी आतिनाई हां जय सच्चिदानंद आज मैंने 22 आउट और मैंने आज डेली प्रेयर 2 टाइम्स किए स्टडी प्रेयर 5 टाइम्स और मैंने सम्यक हाँ जय सच्चिदानंद आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए थे और मैंने आज स्टडी फेयर 11 टाइम बोली थी आज मैं सिमंदर स्वामी गया था तो सिमंदर स्वामी की पूजा की थी सिमंदर स्वामी के साथ क्या मांगा आपने मैंने ये मांगा कि मेरे को मोक्ष मिल जाए ओ बस आपको आपके लिए मोक्ष मांगा सबके सब महात्मा के लिए और मम्मी अब तक तो महात्मा को कोई नहीं वो याद आया नहीं सब के लिए तो आपने बोला नहीं ऐसा है ओके दीपक दादा नवनिधि ओ नवनिधि जय सच्चिदानंद आज मैंने सत्साधन 22 आउट ऑफ 29 हुए थे डेली प्रेयर 2 टाइम्स हुए थे और आरती में सत्संग के बात करूंगी जय सच्चिदानंद ओके वत्सल बाकी रह गया वत्सल हरि ऑल वत्सल जय सच्चिदानंद आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए आज मैंने स्टडी प्रेयर 9 टाइम की थी और आज मैंने आरती 1 टाइम की थी और आज मैंने 1400 स्किपिंग किए थे ओह द रिकॉर्ड 1400 वेरी गुड और आपको किसने साथ किया आपने कीर्तन भक्ति वत्सल अनन्या दीदी आपके साथ किया नहीं अकेले किया उसने तो आप क्योंकि मैंने सुबह मम्मी जब पद बजा रही थी तो उसमें कीर्तन भक्ति का भी एक आया था 10 मिनट का तो मैंने उसमें कीर्तन भक्ति कर ली थी ओके आई थिंक अब सब आ गए अभी एक बाकी है हरी हरी नहीं हरी। नहीं मेरी टर्न आ गई वेरी गुड ओके फाइन डन नेमिल भी था ओके फाइन नो प्रॉब्लम ये दादा भगवान ने जो सत्साधन बताए हैं ना उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है हमें बार बार उसको समझना जरूरी है कि ये जो सत्साधन दिया दादा ने क्या कहा ये काल में 2 मुख्य कमजोरी है एक कमजोरी संसार पक्ष की है व्यवहार पक्ष की है कि हमने लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं डाली है और उसके परिणाम से हमारे जीवन में बाधाएं अंतराय आते रहते हैं जिसके लिए वो अंतराय को मिटाने के लिए दादा भगवान ने हमें 3 मंत्र दिया है संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान 3 मंत्र और दूसरी बात अगर समझनी है तो ऐसा बताया है कि
विराधना करके आए हैं। विराधना का मतलब जो आराधना करने योग्य है, जो जिनका अनुसरण करना योग्य है, उनकी हमने अभक्ति की है, उनकी सामने चल के उल्टा बोले है कि जाने दो ना इन लोगों की बात को, यानी मोक्ष के मोक्ष मार्ग के जो सब निमित्त है उनके लिए ऐसा वैसा बोलना। तो ऐसी विराधना का फल क्या होता है आप सोचो। ये अपने 9 PM के जो सत्संग का जो है, खास करके हम यही देखेंगे तो कितने बच्चे आए और कितने बच्चे फिर चले गए, और कुछ लोग तो बोले तीर्थ। जब ये बातें हो रही है प्लीज बातें नहीं करना, हमें हाफ एन आवर गिन कर मिलता है। तो उसी विराधना का फल क्या है, हमें ये प्राप्त नहीं होता है, यानी ऐसा मार्गदर्शन हमें मिलता नहीं है, ऐसा प्रोग्राम होने पर भी हमें उसका मौका नहीं मिलता है। समझ में आता है कि है फिर भी हम नहीं आ सकते, तो उसके लिए नमस्कार विधि और त्रिमंत्र भी शामिल है। तो उससे उत्तम आराधना होने से, नमस्कार में उत्तम आराधना है और आराधना से हमारी विराधना टूटती है। उसी तरह से 9 कलमों में जो हमने सब गलतियां की है वो दी है, और आखिर में भगवान की उपस्थिति में हमने गलतियां की है, और वही भगवान की उपस्थिति में साक्षी में रखकर हमें प्रतिक्रमण बताया शुद्ध आत्मा के प्रति प्रार्थना में, और भावना की कि मुझे अभेद स्वरूप प्राप्त हो। तो ये सत साधन का लक्ष्य बहुत बढ़िया है, और जो दादा भगवान ने खुद किए हैं और वही हमें दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसमें जो शक्ति आज के लिए जरूरत है वो हमने कूट कूट कर भरी है, इसीलिए इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो ये आराधना बिल्कुल करने योग्य है और हम करते रहते हैं, और जो जो लोग नहीं करते उसको पक्का करके कर लेना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश दादा अभी ये थोड़ा एक वीक से ये सत्साधन के चल रहा था, तो अब तक कल तक ये दो बच्चे लोग बहुत पोलम पोल थे, आज फर्स्ट टाइम है कि उसमें अबाउट 90% का भी उसने किया। तो थोड़ी बातें करो उसका इम्पोर्टेंस, डेली रूटीन में क्यों होना मांगता है ये सारी चीजें। दादा भगवान ने आज्ञा के रूप में दिया है। हम जब बाहर जाते हैं या तो घर में बैठे हैं और हमारी आंखों में कचरा गिर जाए, आंखों में कचरा पड़ जाए, या तो आंखों में कचरा आ जाए किसी भी तरह, तो सबसे पहले हम सब काम छोड़ के हम पहली कोशिश करेंगे कि कचरा कैसे निकालूं। पानी से धोकर, आई ड्रॉप डालकर, या तो पानी को आंखों में छांट कर उस कचरे को निकालूं। जब तक वो कचरा नहीं निकले तब तक मेरी आंखें खोल नहीं पाता हूं मैं, और जैसे ही कचरा निकल गया आप आंखों से क्लीन या तो अच्छी तरह देख पाओगे। इसी तरह किसी ने आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया आपकी आंखों में, लाल मिर्च इटले के लाल मर्चू, लाल मिर्च का पाउडर आपकी आंखों में डाल दिया, आप देख नहीं पाते हो, मगर जो जलन होती है आंखों में
और आंखों में इतनी जलन होती है कि आप आपके वॉश बेसिन तक या तो पानी तक या तो किसी भी ग्लास लेकर पानी लेकर ये भी आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आपकी आंखें खोल ही नहीं पाते हो। और जब तक वो जलन खत्म ना हो किसी भी तरह आप वो जलन को निकालना चाहोगे, धीरे धीरे कैसे भी करके पानी के पास गए, वॉश बेसिन के पास गए और जैसे ही पानी का ग्लास मैंने भरा, ग्लास में पानी भरकर मैंने जिस तरह इतनी स्पीड से मैंने आंखों में पानी छांट, उसकी छांट लगाई ताकि मैं इस जलन से ठंडक पा सकूं और जलन दूर हो जाए, मेरी कोशिश जब तक ये जलन बंद ना हो और आंखें पूरी खुल ना जाए तब तक मैं कोई और काम कर नहीं पाऊंगा या तो मैं करना भी नहीं चाहूंगा। क्योंकि आंखें अगर स्वच्छ और आंखें अगर क्लीन, लाल मिर्च का पाउडर निकल गया, जलन खत्म हो गई, ठंडक हो गई, फिर भी आंखों में रेडिस लाल आंख हो जाती है। वो लाल आंख होने पर जब तक वो ओरिजिनल वाइट आंख न बन जाए तब तक आप उसमें आई ड्रॉप डालोगे, कुछ ना कुछ करके वापस आप स्वच्छ होके आंख खों से आप देख सको, तब जाके आप कहोगे बोलिए अब कौन सा काम है, अब कौन सी जरूरत है। क्योंकि जिसकी आंखें स्वच्छ, जिसकी आंखें प्योर, जिसकी आंखों में कचरा नहीं और आंखें एकदम सफेद, वो आंखें बहुत सारे काम पूरे दिन में कर पाते हैं। आप देखना जैसी आपकी आंखें स्वच्छ, जब विशाल जी फोन आ गया होगा शायद, निमेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, आंखें स्वच्छ बता रहे थे। आंख जब तक आंख अपनी स्वच्छ ना हो जाए, पूरे दिन अगर आपकी आंखें स्वच्छ है तो आप देखना आंखों से कितनी चीज देख पाओगे और कितना काम कर पाओगे। ये मैंने केवल अभी तो एग्जांपल सिर्फ आंखों का दिया है, क्यों? क्योंकि दादा भगवान की आंखें इतनी प्योर, इतनी ट्रांसपेरेंट कि उस आंखों ने पूरे जगत का कल्याण करके रख दिया। उस आंखों ने लोगों की बुराइयां, मतलब लोगों में रहे कमजोरियां, वीकनेस, वो आंखें देखते ही अंदर की वीकनेस खत्म हो जाए, अंदर की कमजोरी खत्म हो जाए। ये मैंने केवल आज दादा भगवान की आंखों के लिए बात की है, मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा क्योंकि दादा भगवान की कान भी ऐसे थे, वाणी भी ऐसी थी, उनके हाथ उंगली भी ऐसे थे। अब ये सारी बात अभी मैं नहीं करूंगा, एक ही बात करता हूं, अगर मुझे मेरे आंखों में से कचरा निकालना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरह ये सत्य साधन, ये सत्य साधन आपकी आंखों को क्लीन, प्योर और स्वच्छ बनाता है। इतना ही नहीं, आंखें स्वच्छ होने पर ये सत्य साधन जो आज ये बात निकली है, ये सत्य साधन सबसे पहले आपके मन को हेल्दी, प्योर
और आपके मन को मोस्ट मोस्ट कोऑपरेटिव बनाता है। ये सप्त साधन आपके भीतर की क्लीननेस, आपकी मन की क्लीननेस, आपकी भीतर की क्लीननेस और आंखों में से बहुत सारी इम्प्योरिटी हम लेकर आए, इम्प्योरिटी। आप देखना, आपको पढ़ाई कम पसंद आएगी, पिक्चर ज्यादा पसंद आएगा। आपको दादा भगवान की कोई किताब पढ़नी कम पसंद आएगी और आपको कोई स्टोरी, कोई नॉवेल या कोई मोबाइल में एपिसोड तुरंत पसंद आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? तो दादा भगवान ने कहा, जितना मन इम्प्योर, जितना मन इम्प्योर उतनी आंखों का भी आप इम्प्योरिटी के लिए ही उपयोग करोगे, क्योंकि आपकी आंखों में इम्प्योरिटी हम बहुत लेकर आए हैं। और जब जब आप सत साधन करोगे ना, आपकी आंखों में से एक एक इम्प्योरिटी कम होती जाएगी, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपकी आंखों का तेज भी बढ़ेगा। और आप जो स्टडी करते हो, या तो आप जो घर में रहते हो, आपकी ये सत साधन करने के बाद आपकी आंखें इतनी स्वच्छ हो जाएगी, आपको किसी के साथ झगड़ा करना भी बोझ बन जाएगा, टेंशन लगेगा, क्यों करूं मैं झगड़ा, क्या मैं किसी के साथ एक तरफ का फ्रेंडशिप या तो बिगड़ झगड़ा किए क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता, कि अब कोई भी प्रॉब्लम झगड़ा किए बगैर या तो अपनी तरफदारी मतलब अपने ईगो की फेवर किए बिगर क्या मैं प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता संसार में। या तो आपके पास आज, या तो आप झगड़ा करोगे क्यों, ईगो की फेवर करने के लिए, अपने खुद के ईगो की, या तो ईगो की फेवर करके आप ऐसी बात करोगे जो आप ही के आंखों में आप सामने से खुद कचरा डालते ही जाते हम, क्योंकि ईगो की फेवर करना और ईगो की हमेशा एप्रिसिएशन, खुद के ईगो की एप्रिसिएशन करने में हम खुद ही अपने आंखों में कचरा डालते रहते हैं। और आंखों को स्वच्छ बनाना ये सत्य साधन आपको स्टडी में भी, क्योंकि आपकी आंखों में ऐसे कचरे हैं, ऐसी कमजोरियां हैं, पढ़ाई तक याद नहीं आएगी, पढ़ाई याद नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करना पसंद नहीं करोगे, नींद आप ज्यादा लोगे, क्योंकि आपकी आंखों में ऐसे कचरा है। दूसरों की गलतियां देख देख कर और अपने खुद के अहंकार का पक्ष ले लेकर हमने सारी एनर्जी खत्म कर दी, तब ये आंखें भी स्टडी में हमको साथ नहीं देते हैं। किताब हाथ में है, दिखाई भी दे रहा है, फिर भी हमारी आंखें एक जगह पढ़ने में हम लगा नहीं सकते। क्यों? आंखें किताबों को देखने का काम करती है, किताब में लिखा है वो देखने का काम करती है, मगर आंखें अंदर से कुछ और ही गेम खेलती है, स्टडी में हमको कॉन्सेंट्रेट या सिंसियर होने नहीं देती है। दादा भगवान की आंखें, दादा भगवान की कान, दादा भगवान की स्पीच, दादा भगवान की स्माइल इतनी प्योर कि सामने वाला अगर गलती से भी उनका मुख या उनकी आंखें देख ले तो खुद के दुख
खुद के प्रॉब्लम भूल जाए या तो खुद के प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम मानेंगे नहीं, ऊपर से वो खुद इतने आनंद में आ जाए कि मैंने आज किसकी आंखें देखी, मैंने किसका हास्य देखा, मैंने किसकी बानी सुनी। जो दादा भगवान कहते थे कि जय सच्चिदानंद करके कहते थे, और दादा भगवान का जय सच्चिदानंद उनके मुख से सुनना और हमारी नींद, हमें ऐसे ही नींद में से हम जाग जाए, नींद चली जाए, क्योंकि आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा कवर ये नींद का है और बहुत सारी चीज। तो ये सत्य साधन जो दादा भगवान ने दिए हैं, ये जितना आप करते जाओगे अनजाने में या जानकर या ऐसे ही, फिर भी ये सत्य साधन ऐसे है कि आपको फल, आपको प्योरिटी, आपको आनंद, किसी के साथ भी टकराव करने का मन आपको होने ही नहीं देगा। आपको अंदर से इतना आनंद में रखेगा। मैं तो बच्चे, सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि आप ये उम्र के हैं, मैं इतनी उम्र का हूं, मैं दिन में मिनिमम पूरा सत्य साधन और ज्ञान लेने के बाद जो निश्चय व्यवहार चरण विधि है मेरी मिनिमम 3 बार होती है पूरा सत्य साधन। पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 3:30 बजे उठ के या 4 बजे से 5:30 बजे तक ये सत साधन पूरा कर लेता हूं। ज्ञान लेने के बाद जो निश्चय व्यवहार चरण विधि दादा भगवान ने बताई वो भी कर लेता हूं। 6:30 बजे जिस तरह आज अभी आप मेरे साथ बात करते हो, उसी तरह सुबह 6:30 बजे रेगुलर विधि होती है। 6:30 से 7:40 या तो 7:45, इतनी बढ़िया सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये विंटर में, सर्दियों में सूर्य नारायण देव अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं हो, 7:20 या 7:23 का टाइम है सूर्य नारायण देव का दिन होना, मतलब सूर्योदय होना, 6:30 से 7:15 तक ऐसी विधि आप्त पुत्र करवाते हैं। आप ऐसी आंख लगाकर बैठ जाओ और उनके साथ बोलते रहो, ऐसी विधि हो जाए। क्योंकि पूरी रात सोते हो तो सुबह केवल 6 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, 6:30 से 7:40 या तो 6:30 से 7:20 आपके लिए इतना बढ़िया। आप हाथ में किताब रखो, किताब में देखकर सामने साथ साथ बोलते जाओ। क्या जरूरत है ये हर दिन, ये रजनी दादा पूछते हैं, पूछते रहते, दीपक आनंद जी पूछते हैं, पूछते रहते, आप लोग को शर्म नहीं आती है? मुझे तो शर्म आ जाए, मेरा तो ईगो खड़ा हो जाए, ये क्या है, ये लोग बार बार मुझे पूछते हैं, ये पूछते हैं और मुझे आंसर देना पड़ता है, मैं करके दिखाऊंगा। आज आपको कोई कहे ना कि आप गेम हार गए, आप क्रिकेट हार गए, आप क्रिकेट में क्लीन बोल्ड हो गए, आपको क्रिकेट आता ही नहीं है, आप दूसरे दिन देखना ईगो, आपका अहंकार ऐसा मजबूत करके आप निकलेंगे कि नहीं, आज मुझे हारना नहीं है, कोई मुझे हरा दे मुझे नहीं पसंद है। तो ये रजनी दादा बार बार पूछे, ये दीपक आनंद जी बार बार पूछे, अरे हम ऐसे तैयार हो जाए कि क्या पूछते हो। मैं एवरी डे विदाउट फेल, विदाउट कुछ भी किए बिगर मैं सत साधन पहले करता हूं। क्यों? सत साधन से मेरी पूरी बॉडी एनर्जेटिक बन जाती है और मेरी पूरी बॉडी में मल्टीविटामिन न लेना पड़े ऐसा पावर आ जाता है। ये क्या है बार बार पूछ के हमारा ईगो हमको डिस्टर्ब ये करते हैं और हमें शर्म तक नहीं आती है। आउट ऑफ 22 हमको 19 आए, आउट ऑफ 22 हमको 21 आए,
ये क्या है? मैं तो कहता हूं दादा भगवान ने दिया है, अगर आप दादा भगवान को पहचान लो और आपको दादा भगवान को ही देख देख कर आपकी आंखें ऐसी हो जाए कि दादा भगवान ने दी हुई ये सत साधन एक बार तो आसानी से कर पाओगे। मैं तो दो बार तीन बार चार बार ऐसा करता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी अंदर की प्योरिटी और मेरी आंखें दोनों अभी प्योर होना बहुत बाकी है। कहां तक करूं? तो कि जहां तक तेरी आंखें प्योर ना हो जाए और तेरी अंदर का मन, अंदर की तेरी नियत, तेरी दानत प्योर ना बन जाए दादा भगवान जैसी, तब तक तुझे ये सत्साधन और प्रतिक्रमण, माफी मांगना छोड़ना नहीं है। इतना करोगे ना स्टडी तो आप आसानी से कर पाओगे। आसानी मतलब क्या है? तो कि एक पिक्चर देखते हो और गाना याद रह जाता है, एक पिक्चर देखने के बाद गाना याद रह जाता है। आपने कौन सी मेहनत की गाना याद करने की? कौन से ट्यूशन क्लासेस भरे? या तो कौन से रजनी दादा और दीपक आनंद जी ने कहा कि आप दो दिन में तीन बार ये गाना बरोबर पक्का करके आना, फिर भी पिक्चर का गाना एक बार सुनते हो और आपके किसी को भी किसी ने भी नहीं की कहा है, फिर भी आपको गाना एकदम याद रहता है म्यूजिक के साथ। और ये गाना कब कैसे गाया? पिक्चर में गार्डन में गाया, समुद्र के पास गाया, माउंटेन पर चढ़कर गाया, ये भी आपको दिखाई देता है। तो क्या आपके अंदर एनर्जी नहीं है? स्टडी याद रहता नहीं है और पिक्चर का गाना किसी ने कहा नहीं है कि याद करके आना, फिर भी याद रहता है, क्या फर्क है? बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपके पास बहुत बहुत एनर्जी है। ये रजनी दादा और दीपक आनंद जी केवल आपकी एनर्जी को एक राइट पाथ पर पॉजिटिव, आप खाना खाने बैठते हो तो आप कहोगे ये मुझे नहीं भाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, फिर भी आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी आपको एनर्जी मिले ऐसा ही खाना खिलाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है, मगर उसमें एनर्जी नहीं है, जो खाना आपको पसंद है उसमें कोई भी ताकत नहीं है, आपकी आंखें विक पड़ जाए, आपके दांत विक पड़ जाए, आपके बाल सफेद होना जल्दी हो जाए, ऐसा खाना आपके मम्मी आपको परमिशन नहीं देंगे। मगर जब आप जीत करते हो और आप झगड़ा करते हो, या तो आप रूठ जाते हो और उल्टा सुल्टा बोलना चालू कर दे, तो तब जाके मम्मी भी हार कर अपने आप को हरा कर, खुद ही अपने आप को हरा देती है मम्मी कि चलो जाने दो, क्या करे, उसकी किस्मत ही ऐसी है कि शॉर्ट टेस्ट वाला या तो इंस्टेंट टेस्ट वाला खाना खाओ और लॉन्ग टाइम तक बीमारी को आप आपके अंदर इनवाइट करो, ऐसा आप खुद ही नसीब लेकर आए हो तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी कहती है कि मैं ऐसा खाना बनाता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं चले, आपका सिलेक्शन नहीं चले, मम्मी आपने जो बनाया है वो ही मैं खाऊंगा। अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा मम्मी आपको टाइम मिले तो एक बार मुझे ये आइटम बना के देना, मुझे ये आइटम खाना है, मगर मैं दूसरी आइटम को मना नहीं करूंगा। अगर आप मुझे जो अच्छा लगता है वो आपने आइटम बनाकर मुझे खिलाया, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो आप बनाना, वो भी मैं खाऊंगा। क्यों ये सारी एनर्जी आपके पास से कहां चली गई? आप आपके मम्मी पापा के साथ कॉपरेट एडजस्ट या तो झगड़ा किए बिगर आप मम्मी पापा के साथ खुश होकर
आनंद में आकर बात नहीं कर पाते हो तो आपकी सारी एनर्जी आपके भीतर कौन सा कचरा खा जाती है या जरा देखो तो सही, आपकी आंखों में इतना कचरा पड़ा है कि आप टीवी देखते देखते आपकी आंखें भी थक जाए और मोबाइल हाथ में रहे और आपको नींद आ जाए। टीवी चालू रहे और आप सो जाओ, आप कहीं चले जाओ और घर की लाइट पंखे चालू रह जाए, टीवी भी चालू रह जाए, आप सोफे पर बैठे अपने सोफे पर बैठ बैठ कर खाना खाते हो, पूरा सोफा भी गंदा करते हो, क्या आपके मम्मी को ये पसंद है? मैं कहता हूं आपके मम्मी को पसंद नहीं है, फिर भी मम्मी आपके साथ एडजस्ट हो जाती है। क्यों? तो कि खामोखा घर में झगड़ा होगा, खामोखा घर का माहौल बिगाड़ देंगे ये बच्चे, तो मम्मी जाने देते। जैसे आप खाना खा लोगे ना, मम्मी सोफा भी क्लीन कर देंगे, आपके बर्तन जो डिश में खाया वो भी क्लीन कर देंगे और आपको कहेंगे बेटा पानी पीना है, आप पानी पी लो, नाश्ता किया है। तब आप कहोगे बाद में पीऊंगा, अभी मुझे नहीं पीना है। ऐसा आंसर आपको कोई दे, ऐसा व्यवहार आपके साथ कोई करे, तो क्या आप एडजस्ट हो पाओगे? आप तो दिन में एक बार दो बार तो मम्मी के साथ आपकी मनमानी, या तो बोलने में भी आपकी स्पीच ऐसी निकले कि स्पीच में कचरा ही कचरा निकले, फिर भी मम्मी क्या करे, कोई बात नहीं मैं कचरा अंदर ले लेती हूं, और आपकी मम्मी आपको बिगर कचरे वाली वाणी से आपको कहेंगे चल बेटा अब टाइम हो गया तू सो जा, सुबह जल्दी उठकर तुझे स्कूल या पढ़ाई या स्टडी करना है। कितनी प्योर बातें, कितनी समझाकर, और आपकी वाणी में भी कचरा। जो व्यवहार आप मम्मी के साथ करते वो व्यवहार आपके साथ करता है, तो आप तुरंत बदला लेना, या तो आपकी आंखों का रंग या तो आपकी आंखों का पूरा तेज बदल जाना, आपकी आंखें बिगर कचरा डाले हुए लाल हो जावे, आपकी आंखें कड़क बन जावे। क्या ये आप अच्छे घर के महात्माओं के घर के आप बच्चे हो? क्या आपको ये माता पिता मिले हैं तो ये माता पिता की भी वैल्यू है? अगर माता पिता की वैल्यू नहीं है तो दादा भगवान की वैल्यू कब कर पाओगे? और दादा भगवान की भी वैल्यू नहीं है तो आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर बनाने वाली स्टडी, आपका फ्यूचर ब्राइट गोल्डन एजुकेटेड बनाने वाली स्टडी की आप कहां से वैल्यू करोगे? क्योंकि आपको आपके मन के इच्छा के अनुसार सुबह उठना है, आपकी इच्छा के अनुसार रात को जागना है, सुबह आराम से उठना है, उठने के बाद धीरे 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 काम करते हो, इतना धीरे धीरे काम करते हो क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए तैयार चाय नाश्ता सब लेकर बैठे। आपका एक काम जो आपके मम्मी पापा खुश हो जाए, वो केवल एक काम भी आप सिंसियरली नहीं कर पाते हो, स्टडी। स्टडी अगर आप स्टडी में परफेक्ट हो तो आपके मम्मी पापा कहेंगे बेटा मुझे तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है, तू पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रही है, यही हमको बहुत आनंद और सुकून मिलता है। अब बताओ, अब बार बार टीवी देखते हो, एक घंटा आधा घंटा की जगह एक घंटा, ये रजनी दादा और ये दीपक आनंदी, 5 घंटा 5 आवर्स आपने कहां वेस्ट किए, आपने कहां यूज किए? ये 5 आवर्स में 1 आवर्स आपने, वो 1 आवर्स भी हाँ, ये दीपक आनंद जी थोड़ी देखने को आएंगे आपके घर पे कि 1 आवर्स में आपने क्या काम किया, कचरा पोता,
प्लेटफॉर्म, खाने का रसोई का प्लेटफॉर्म साफ किया, गैस गैस के ऊपर जो खाना बना फिर गैस को भी क्लीन किया। कहां दीपक आनंद जी देखने को आएंगे, कहां रजनी दादा देखने को आएंगे। रजनी दादा और दीपक आनंद जी तो आपके ऊपर एक ब्लाइंड विश्वास रखते हैं, ब्लाइंड विश्वास, जो बोलते हो आप सही मानकर वो कहते हैं थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि वो लोग आपको ये दादा भगवान का ये ज्ञान आपके भीतर काम करे ताकि आपके थ्रू कितने लोगों को काम में लगे ये दादा ये, और उसमें सबसे पहले आपकी लाइफ में ये दादा का ज्ञान बहुत ऐसा काम करे कि बाहर का कोई भी सुख, बाहर से मिला हुआ सुख, बाहर से मिली हुई चॉकलेट कैडबरी अगर कोई लेकर भी चला जाए तो भी आपका मुंह बिगड़े नहीं, ऐसा आपको अंदर से हैप्पी, अंदर से हैप्पी बनाना चाहते हैं। आप देखो एवरीडे 9 o'clock, एवरीडे रात को 9 o'clock, और केवल आधा घंटा 35-40 minutes आपको दादा दीपक आनंद जी और आप्त पुत्रों के साथ निकालना है। फिर भी आप पूरा दिन चॉकलेट खा के बैठे हो, पूरा दिन कैडबरी खा के बैठे हो, पूरा दिन पास्ता मैगी पिज्जा ये खाकर बैठे हो, मगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। खाना इतना खाते हो कि आंख को पकड़ के रखो ना तो भी बंद हो जाए, इतना खाया हो कि आंख को पकड़ के पढ़ाई करो ना तो भी आंख बंद हो जाए, नींद आ जाए। अब बताओ किसकी गलती, मम्मी की गलती, पापा की गलती, आप तो पुत्र दीपक आनंद जी की गलती, रजनी दादा इस उम्र में आपके पीछे पड़ गए तो रजनी दादा की गलती है कि इस उम्र में अभी क्यों पड़े हो हमारे पीछे, हमको हमारी तरह जीने दो ना। क्या कहते रजनी दादा, आप आपकी तरह जियो मगर आपका थोड़ा सा टाइम ये दादा भगवान और हमारे साथ निकालो ताकि हम भी बहुत अच्छे हो जाए। सभी बच्चों को मेरा जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बहुत बढ़िया। निमल दादा अभी एक क्वेश्चन है, बाद में पद सुनने का है। मोनिका दीदी क्वेश्चन, रजनी दादा क्वेश्चन तो है ही, मगर जो आप इनके ये बच्चों के पीछे जो आप आपकी एनर्जी एफर्ट्स और एवरी टाइम दीपक आनंद जी खांसी खांसी खाएंगे कफ निकालेंगे, सत्संग चलता होगा तो दीपक आनंद जी बैठे बैठे एक नींद एक झपकी ले लेंगे और आपके साथ वापस फ्रेश होकर कौन बाकी है। ये क्या है बच्चे, आप लोग बहुत पुण्यशाली है, लक्की लक्कीएस्ट बच्चे हो आप कि दादा भगवान की बात आपको आपके घर में बैठे हुए दादा भगवान आपकी उम्र में कैसी क्वालिटी और कैसी प्योरिटी वाले थे ये दादा भगवान की बात आपको बताने वाले ये इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। वाकई आप लोग को इसमें थोड़ा सा सपोर्ट देना है। देखो दीपक आनंद जी बिगर खाए भी एनर्जेटिक बन जाएंगे, रजनी दादा अपने आप व्हाइट में से रेडिश बन जाएंगे कि क्या बच्चे ने आंसर दिया है, और मेरी सब दादा भगवान के प्रति मेरी जो एफर्ट्स थी ये बच्चे ने सक्सेस करके बताया। ठीक है बच्चों, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपको आपकी मम्मी को आपके कहने के अनुसार ट्रेन नहीं करना है, आपको अपने आप को मम्मी कहे उस अनुसार आपके आंखों को मन को सभी को ट्रेन करना है, क्योंकि आपका शरीर आप कचरे में डाल रहे हो और आपके माता पिता कचरे में से बाहर निकालने की एवरी डे कोशिश करते हैं। कचरा समझ में ना आए
तो माता पिता भी क्या कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद बेटे, सॉरी, और आगे ही बढ़ो, हम आपके साथ है। और हमेशा दादा भगवान की ज्ञान की बात और दादा भगवान जैसा आपके अंदर प्योरिटी बढ़े उसके लिए हम हमेशा हम सभी आपके साथ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी, मोनिका दीदी, क्या क्वेश्चन आपको? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम निश्चय तो करते हैं, फिर वो पूरा क्यों नहीं होता, वो कच्चा कैसे पड़ जाता है? और वो निश्चय करते हैं तो उसका आपने ये तो आपने ऐसी बात की, मैं हर रोज खाता हूँ फिर भी भूख क्यों लगती है? जितनी बार भूख लगती है आप खाना खाते हो, जितनी बार स्नान करते हो उतने मैले होते हो। मैले होते हो तो आप ये नहीं कहते कि मैं रोज स्नान करती हूँ मैं क्यों मैली हो जाती हूँ? नहीं, तुरंत ही आप स्नान कर लेते हो, तुरंत ही आप स्नान करके नए कपड़े पहन लेते हो, तुरंत आप भूख लगने पर खाना खाते हो। इसी तरह दादा भगवान ने कहा, बार 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 निश्चय करते रहना यही आपकी ड्यूटी है। उसके आगे आपको आपकी बुद्धि यूज नहीं करना है, केवल एक ही बात, मुझे निश्चय पक्का करना है। और निश्चय पक्का करना यही मेरी सुपर ड्यूटी है। चाहे मैं गिर जाऊं, चाहे मैं फिसल जाऊं, चाहे मुझसे कितनी गलती भी हो जाए, फिर भी मेरा निश्चय कच्चा नहीं पड़ने दूंगा। और निश्चय कच्चा पड़ जाए तो वापस दादा भगवान के पास मैं निश्चय पक्का करने की शक्तियां मांगूंगा। मैं आर्ग्यूमेंट या क्वेश्चन खड़ा नहीं करूंगा कि मैं अभी खाना खा के निकला, ये 2 घंटे में खाना कहाँ चला गया, वापस भूख क्यों लगी? वापस भूख लगी तो वापस आप डब्बे सीधे किचन में चले जाओगे और मम्मी चिल्लाएगी, अभी तो खाना खाया, कुछ काम तो किया नहीं है, फिर भी कैसे भूख लग जाती है? मैं इसके लिए कहता है कि पूरा बैठकर अच्छी तरह खाना खा लो ताकि वापस शाम को भूख लगे, फिर भी आप भूख के साथ एडजस्ट हो जाओगे। मम्मी को कहोगे, मम्मी प्लीज मैगी बना के दो ना, खाना तो खाया मगर भूख लगी है। मम्मी कहेगी मैगी नहीं बना के दूंगा, शक्कर पारा बना के दूंगा। तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, शक्कर पारा कहां से लाए आप? तो सही में आपको भूख लगा है कि सिलेक्टेड भूख लगा है? भूख लगा है तो वो मैगी नहीं कहेगा, क्या है वो मुझे दो। इसको गलती कहते हैं, सिलेक्टेड भूख लगना उसको गलती कहते, फिर भी गलतियां करते जाते और खाना खाते। इसी तरह निश्चय करते जाओ, निश्चय करते जाओ, भले ही कच्चे पड़ जाओ, भले ही गलती हो जाए, मगर निश्चय कच्चा पड़ने मत देना। निश्चय कभी भी कच्चा नहीं पड़ने देना। जितनी बार दादा भगवान के पास शक्तियां मांगना चाहो, दादा भगवान कहते थे कि आप शक्तियां मांगते रहो, हम शक्तियां देते जाएंगे, मगर आप शक्तियां मांगोगे ही नहीं तो हम कैसे दे पाएंगे? हम शक्ति देने के लिए 24 आवर्स हर पल हर क्षण तैयार है, मगर आप शक्ति मांगने में कच्चे पड़ जाते हो, निश्चय पक्का करने में कच्चे पड़ जाते हो। तो दादा भगवान कहते हैं हम तो पूरी शक्तियां देने तैयार। ठीक है बेटा, ठीक है मोनिका, ओके, जय सच्चिदानंद। अभी निमेश दादा हम पद सुनेंगे। जी सब भाई, जय सच्चिदानंद। निवालोला विद्युदादा जगत मारुच तू नथी काई, हमारा पाप बाड़ी दियो
खल मासूज तू नथी काई दखा अन्यान माकी दा अने तेनी बड़े लायू नथी दिल को ही नुदायू भूल आयुष भंगायू शकरी उबायू परहाडे इगर माडंख तू महकाई निवाडो लामी द्युदादा जगत मारूच तू नथी काई। वेरी गुड। आपने ये पद क्यों पसंद किया? हाँ, मैंने इसलिए पसंद किया कि इसमें भगवान ने कहा है कि अहंकार से हम ये सारी क्रिया करते हैं, तो संसार में इसलिए हम भटकते हैं, उसलिए हम मोक्ष मांगने के लिए ये पद गाया है मैंने। और ये पद और रमेश दादा ने आज बात किया उसका अनुसार क्या होता है? 244 कनेक्शन 6800 क्या कहा हिमेश दादा ने? जो आंखें क्लीन करने की बात की और ये आपके साथ क्या जो रिलेशनशिप है? क्या हम जो हम आंखें स्वच्छ करेंगे तो ही हमको मोक्ष मिलेगा। जितनी आंखें प्योर होगी उतने हम दादा भगवान के करीब जाएंगे और मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। हिमेश दादा दो चार मिनट इसके साथ बातें कर लो। ये पद जो है निवेडो लावी द्यो दादा जगत मा रुच तू नथी कई हमारा पाप बाड़ी दियो दखल मा सूझ तू नथी कई। ये इसमें इस पद में सबसे टॉप वर्ड्स निवेडो, निवेडो मतलब हमेशा के लिए मुझे ऐसा सॉल्यूशन दे दो हमेशा के लिए, उसके बाद किसी भी कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी संजोग आए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डर नहीं जाऊंगा, या तो मैं दुखी नहीं हो जाऊं। ऐसा एक शब्द निवेडो, निवेडो, उसमें दादा भगवान ने एक ही बात कहा कि जैसे ही आप आपकी खुद की गलतियां देखने की आपने ठान ली, पक्का कर लिया कि जब जब मुझे दूसरों की गलतियां इस आंखों से दिखाई देगी, मैं तुरंत दादा भगवान को याद करके दादा भगवान की साक्षी में मैं क्षमा मांगूंगा, मैं माफी मांग लूंगा कि ये दादा भगवान आज मैंने इस आंखों से कान से मैंने दूसरों की गलती देख ली, मेरी खुद की गलती देखने की मुझे अंदर से पता ही ना चला और मैंने दूसरों की गलतियां देखने में मैंने टाइम बिगाड़ा, ये सबसे बड़ा निवेड़ो। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता चले या तो आपको विश्वास बैठ जाए कि मेरी गलतियों के कारण मुझे भुगतना आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई गलती की है तब जाके मुझे ये भुगतना आया है, इसमें और किसी की भी गलती नहीं है, ये शब्द हमेशा के लिए हमारी लाइफ में सॉल्यूशन दे देवे, कहीं से भी हमको सॉल्यूशन लेना नहीं पड़े, हम भी हमारी आंख, हमारा मन, हमारी वाणी,
दादा भगवान की तरफ प्योरिटी की ओर आगे बढ़ती जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप भाई। ओके जय सच्चिदानंद भाई को। और श्रेया देवम, आपने प्रॉमिस किया था लास्ट सत्संग का करने का ट्रांसक्राइब। ओके और आज भी कोई आंख के मेरे कोई कौन को वॉलंटियर करो जिसका टाइम है उसको वो लिखा होगा। ओके जय सच्चिदानंद।